सब्सक्राइब करें प्राइम लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कॉम्पिटेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्राइम लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय खेल और खिलाड़ियों की संख्या के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा ट्रिक है। एक लड़की थी जिसका नाम पी4 था। उसने बास्केटबॉल का बिजनेस किया, लेकिन उसको बास्केटबॉल में उसका प्रॉफिट उसको मिल नहीं रहा था, तो उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया, जिम खोला उसने। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ट्रिक देख लेते हैं। पी4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पी से पोलो, पी4 जो है तो पी से पोलो और 4 जो है वो खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल तो उसमें फ्रेंड्स देखिए 5 खिलाड़ी होते हैं। और वॉली जो है फ्रेंड्स, तो वॉली से वॉलीबॉल तो उसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। नेस देखिए फ्रेंड्स, ने से नेटबॉल, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, नेटबॉल और कबड्डी दोनों में 7 खिलाड़ी होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जिम, जिम से देखेंगे जिमनास्टिक, जिमनास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है खोली, तो खोली से फ्रेंड्स खो खो, खो खो में 9 खिलाड़ी होती है। और खो खो और बेसबॉल दोनों में 9 खिलाड़ी होती है। फ्रेंड्स ये भूलिएगा नहीं, ये बहुत अच्छा ट्रिक है मैंने जो बताया है, इसे आप याद कर लीजिए। आप कभी नहीं भूलेंगे, जो विश्वास आपको हमेशा याद रहेगा। बस ये सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा कि पी4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन सा ऐसा खेल है जिसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है रग्बी। रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं और स्कॉटलैंड का ये राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स, तो ये भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट अब देखेंगे WP, WP में देखेंगे W, W में देखेंगे वाटर पूल, वाटर पूल W से वाटर पूल और P से पोलो। तो फ्रेंड्स P का तो देख ले, पी4, पी4 नाम की जो लड़की थी, तो P में 4 खिलाड़ी होते हैं और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। और वाटर पूल में देखिए फ्रेंड्स कैसे देखेंगे, W को हम लोग सर्कुलेट करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 + 4 = 7, तो 7 खिलाड़ी वाटर पूल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे, राष्ट्रीय खेल के बारे में बताएंगे फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय खेल तो आप लोग जानते हैं कि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब में ये तीनों राष्ट्रीय खेल है और इसके बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी हम एक बार देख लेंगे। हॉकी देखिए भारत पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, क्रिकेट जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, फुटबॉल जो है वो ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। अब लेकिन फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन जो पूछता है वो इससे पूछता है कि बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग जो राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ का है। तो फ्रेंड्स स्पेन, स्पेन का ये राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट टीबी, टीबी से टी से देखेंगे टेबल टेनिस, बी से बेसबॉल। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग अपोजिट जैसे देखेंगे, जैसे देखिए टी के बाद क्या आता है यू, तो फ्रेंड्स यू जो है वो बी के नीचे लिखेंगे और बी बेसबॉल जो है बी के बाद क्या आता है सी, तो सी से चाइना। तो फ्रेंड्स देखिए टी का हो गया चाइना, टेबल टेनिस का चाइना और बेसबॉल का हो गया यू, USA। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक है, ये याद रखे, टेबल टेनिस का क्या है, टेबल टेनिस का चाइना और बेसबॉल का क्या है USA। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट जूडो, जूडो जो है वो कैसे याद रखेंगे, जूडो जो जापान का राष्ट्रीय खेल है, तो फ्रेंड्स देखिए जे जे से और जे से दोनों, तो फ्रेंड्स ये तो सिंपल है, ये याद हो जाना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो बच गया हम लोग का वो है भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो फ्रेंड्स देखिए श्रीलंका, श्रीलंका जो है वो आइलैंड है फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं। तो श्रीलंका जो है आइलैंड, तो बीच में ही वॉलीबॉल खेला जाता है, तो फ्रेंड्स श्रीलंका का हो गया वॉलीबॉल, वॉलीबॉल श्रीलंका का। नेक्स्ट है बांग्लादेश, बांग्लादेश है जो फ्रेंड्स वो है कबड्डी, कबड्डी जो है फ्रेंड्स वो कबड्डी साफ दिख रहा है कि वो बांग्लादेश से है, तो बांग्लादेश का कबड्डी। नेक्स्ट है आर्चरी, आर्चरी भूटान का होगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो आर्चरी मीन्स तीरंदाज। नेक्स्ट अब बात करते हैं आइस हॉकी, आइस हॉकी को कैसे देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए आईसी तो दो वर्ड लिखेंगे शुरू में, देखेंगे आई और सी, आई से आइस हॉकी और सी से कनाडा। तो फ्रेंड्स ये हो गया। नेक्स्ट है रग्बी, रग्बी जो है वो स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी, तो फ्रेंड्स ये भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि हमें अच्छे से याद हुआ कि नहीं, हम लोग सॉल्व कर पाते कि। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भूटान जो मैंने अभी आपको बताया भूटान का, तो वो तीरंदाज आर्चरी जो है वो तीरंदाज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फ्रेंड्स, एक पोलो टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स, वो है डी, बेसबॉल। बेसबॉल जो है वो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट, हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, हॉकी ये सब हम जानते हैं। नेक्स्ट है, वाटर पोलो को एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो फ्रेंड्स, टेबल टेनिस जो है, मैंने आपको बताया टी और बी वाला जो ट्रिक बताया था, तो उसमें फ्रेंड्स टी से था, टी के नीचे था सी, सी से चाइना। तो फ्रेंड्स, ये सी इज द राइट आंसर। कितने खिलाड़ी एक टीम में मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल एवं बास्केटबॉल में खेले जाते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा, देखिए खो खो में 9 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं और बास्केटबॉल में 5 होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सी होगा, 9, 7, 6, 5। अब नेक्स्ट देखेंगे, पोलो, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा 4, 5, 6। देखिए, क्योंकि पोलो में 4 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं और बेसबॉल में 9 होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया फ्रेंड्स कि आइस हॉकी में हम लोग दो वर्ड पहला देखेंगे, आई और सी, तो आइस से आइस हॉकी और सी से हो जाएगा कनाडा, तो कनाडा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, किस ग्रुप में खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी, बेसबॉल, बेसबॉल एवं खो खो। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, किस ग्रुप में खेलों के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? तो फ्रेंड्स, प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, मीन्स दोनों के पक्ष में 7 खिलाड़ी, तो वो उसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, कबड्डी और नेटबॉल में होती है फ्रेंड्स, दोनों सामान्य होती है। नेक्स्ट है, किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है फ्रेंड्स? तो उसके बारे में तो मैंने आपको बताया, रग्बी जो सबसे ज्यादा उसमें होती है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फ्रेंड्स, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसमें 9 होती है फ्रेंड्स, हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, बेसबॉल में भी 9 होती है, तो इसका भी आंसर 9 होगा। नेक्स्ट है, किस समूह में के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होती हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी, तो ये फ्रेंड्स आपको पता है कबड्डी और वाटर पोलो में होती है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खेल के प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा खो खो। खो खो जो ऐसा खेल है कि प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी नहीं होते, उसमें 9 होते हैं फ्रेंड्स, इसलिए खो खो, बाकी सब में 11 11 होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन खो खो होगा। नेक्स्ट है, कबड्डी खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो फ्रेंड्स, इसमें 7 होगा, कबड्डी खेल में प्रत्येक पक्ष में आप लोग को पता है कि 7 मेंबर होते हैं फ्रेंड्स। तो ये है कुछ क्वेश्चंस जिसके बारे में आज मैंने चर्चा किया फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज हमें लिखकर जरूर बताएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।